तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला था, तो मैं मम्मी को बता रहा था कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं म्यूट ही कर दो। हाँ ठीक है, म्यूट कर देती हूँ। तो फिर भी आवाज़ आ रहा था, मैंने पूछा म्यूट किया, कह रही हाँ। मैंने कहा कौन सा चैनल चल रहा है, कह रही रिपब्लिक टीवी। तो घर में तो दिन भर बस यही चैनल चलता रहता है और इतना चीखता है अर्नब, क्या बताया यार। चलो जो भी हो, ये है हमारा बाहर का एरिया, मतलब गार्डन एरिया। कितना पानी जम गया देख रहे हो, मतलब एक दिन और ज़्यादा बारिश हुआ ना तो घर के अंदर फिर से पानी आ जाएगा, आमफन वाले इस वीडियो की तरह। तो जैसे कि आपने मेरे वीडियो टाइटल में देख ही लिया है, तो पहले उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। वन ऑफ देम इज दिस वन, तो सब अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बहुत सारा सामान है, बहुत दिनों से आया हुआ है, ये लाइट में जरा ये है सारा सामान जो इतने दिनों से पड़ा हुआ था, अनबॉक्स नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने करना था इसलिए। तो मतलब द थिंग इज दैट इनमें से कई चीज़ें हैं जो दो हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे आया हुआ। अगर ये प्रोडक्ट ख़राब निकलता है या फिर इस प्रोडक्ट के अंदर से साबुन निकलता है, दे कैन नॉट एक्चुअली रिफंड, रिप्लेस और डू एनीथिंग। सो ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। शेयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी। तो आप एक एक करके सारा प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या है, नहीं है। बहुत सारा सामान है इसमें, तो डैंट भी पड़ गया है, देखो भाई। लुक एट इट मैन, तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं दे रहा, ब्लेम नहीं कर रहा। ओके सो लेट्स सी इसमें क्या है। पहले दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डर्मा रोलर। ये क्या है दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डर्मा रोलर। इसमें क्या है कि मैं अपने गंदे हाथ नहीं लगाना चाहता, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ ना नीडल्स हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे माइक्रो नीडल्स, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सो ये क्या है, मैंने जैसे बताया था आपको, मतलब स्टोरीज में, शायद वीडियो में नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, टू फॉलो मी हियर, नहीं तो आपको भी पता भी नहीं चलेगा। सो वहाँ मैंने बताया था कि आई एम हैविंग हेयर फॉर बहुत सालों से हो रहा है, एंड प्रोबेबली आई डोंट हैव मच ऑफ हेयर लेफ्ट टू बी ऑनेस्ट। तो ये क्या है, इसमें छोटे छोटे नीडल्स होता है। अगर इसको मैं अपने सर के बराबर कोई एंगल पे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इसको मैं रब करता हूँ या फिर रोल करता हूँ, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्किन में पंक्चर्स कर देते, एंड दैट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर स्कैल्प। तो उससे क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स को अच्छा ब्लड मिलता है तो वो अच्छा ग्रो करता है। बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स हमारे हैं हेयर में, बट उसमें ब्लड सप्लाई या फिर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट ग्रोइंग। सो इससे वो ग्रोथ प्रमोट होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज, बट द थिंग इज दैट इसका रिजल्ट वेरी करता है, सम पीपल गेट रिजल्ट, सम डोंट। तो मैं इसके लिए मैं इसको पहले यूज़ करूँगा, पहले देखूँगा कि कैसे यूज करना नहीं है, एंड देन आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस। ओके मिस्टर कैन लुक एट दिस वन। तो इस महीने मेरा एक्चुअली बहुत सारा खर्चा हो गया, एज यू कैन सी ऑल दिस प्रोडक्ट्स। सामने के महीने शायद और भी ज़्यादा खर्चा होने वाला है, मेरे को लग रहा है। आई हैव सम प्लान्स एक्चुअली। सो ये है एक 1.5 टीवी का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव HDD। सो ये WD का है। तो ये मैंने क्यों लिया, मेरा दिस इज द फर्स्ट हार्ड ड्राइव दर है बीइंग यूट्यूबर, मतलब सही में। आई डिडंट यूज टू सेव ऑल दोस फाइल्स एंड स्टफ, उतना मैं नहीं करता था जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, बट अभी से मैं करूँगा। द रीज़न आई बॉट इट, सो एक्चुअली क्या हुआ कि लाइक दो हफ्ता तो शायद हुआ है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, लाइक इट वॉज डेड, इट वॉज नॉट स्विचिंग ऑन। तो मैंने बहुत कोशिश किया चार्ज वर्ज देखे, बट कुछ हुआ नहीं। तो आई कॉल्ड अप द सर्विस सेंटर पर्सन, डेल का लैपटॉप है, डेल में कॉल किया। दैट पर्सन केम, इंस्पेक्ट किया, ले गए लैपटॉप को। द थिंग वॉज कि मेरा मदरबोर्ड जो है उसमें कोई IC लगते हैं चिप्स, तो वो सारे जल गए, तो दोज आर गेटिंग रिप्लेस्ड। और मेरे को तब इस बात का डर लगा कि मेरे पास मेरा डेटा, मतलब वॉट एवर डेटा आई हैड, दैट कैन बी लॉस्ट। मेरे को ये दिमाग में उस दिन पहला स्ट्राइक हुआ था एक्चुअली, और मैं एक्चुअली उतना लेट नहीं किया। सो और मैंने ये ले लिया, दिस इज 1.5 TV। अब इसको खोल के देख लेते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बट दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई हैव, तो पता भी नहीं कितना साइज होता है। आप लोग बताओ ये क्या नॉर्मल साइज है, ये बहुत छोटा है। I have no idea. This 1.5 TV 4200 या 300 में मिला है, एंड दीज आर जस्ट द केबल्स, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा।
So 1.5T में कितना स्पेस मिलता है आपको, यहाँ पे लिखा आ रहा है दैट इज द स्पेस दैट आई गॉट फ्री स्पेस. सो इसको साइड में रखते हैं. मेरे घर में कहीं पे भी लाइक इन आवर होल हाउस एक भी फ्लोर लैम्प नहीं है. सो लेट्स सी फ्लोर लैम्प कैसा है, नहीं है. सो दीज आर ऑल द बॉक्स कॉन्टेंट जो एक साथ मिलता है. तो इसको मैं सेटअप करके लगा दूंगा, प्रोबेबली इस वीडियो में नहीं. तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एंड द वीडियो विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन जब अपलोड हो जाएगा. तो दिस इज रियली नाइस लैम्प देखने में लग रहा है. सो लेट्स सी. बाय द वे दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. काइंड ऑफ वो टेक चैनल वाला फील आ रहा है, बट आई एम नॉट अ टेक चैनल. बहुत मोटा है. सो दिस एक्चुअली अ स्पाइरल बाइंडेड नोटबुक. पिछला वाला जो नोटबुक आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने अपना खुद का बनाया था, अपने डिज़ाइन का. तो उसमें तो मैं कुछ अपने काम के लिए नहीं लाया, मतलब दैट इज़ फॉर नो माई जर्नी. जर्नी होगा मेरा एंड दिस इज़ फॉर वॉट पर्पस. बहुत अच्छा यार, लाइक सीरियस. अपने चेयर पे बिठा देते हैं भाई साहब को. सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये है पूरा बेंच. इसके नीचे हैं सारे अटैचमेंट रॉड्स. तो इसका सेटअप मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस मे बी. तो अगला कोई एक वीडियो बना के मैं इसको दिखा दूंगा इफ यू रियली वांट टू सी दैट. एंड द लिंक टू दैट वीडियो विल बी इन द डिस्क्रिप्शन वंस इट्स अपलोडेड. तो इसको अभी साइड में रखते हैं. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन. एज यू कैन सी यहाँ पे अच्छा पैकिंग करके दिया गया है. बहुत हल्का है यार. मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मैं अपना लाइक इन दिस वे कुछ पेंटिंग्स लगाऊंगा. यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक सो जाता है ऐसा. तो इसको लगा के देखते हैं कैसा लगता है. ये क्या सिर्फ मेरे घर में है या फिर आप लोग सबके घर में ऐसा है कि इंसान कम भगवान ज्यादा है? इंडियन फैमिली में ये ज्यादा होता है या फिर बंगाली फैमिली में ज्यादा होता है? आप लोग प्लीज बताओ मेरे. मतलब हमारे घर में हम तीन रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा, और सारा भगवान मिला दे तो 40 तो हो जाएगा. 40 फोटो तो है ही हमारे घर. कीपिंग असाइड पूजा वाला रूम, पूजा घर छोड़ के बोल रहा हूं. आप लोगों का भी क्या ऐसा है पता है? लुक एट दिस थिंग. मैं लगाने गया यहां से निकल आया. व्हाट कैन आई डू मैन. अजीब है. 300 रुपए में क्या इतना सा भी अच्छा क्वालिटी नहीं मिल सकता है आज की दुनिया में? ये निकल गया. अगर मैं इसको पहले अनबॉक्स कर लेता तो इसको तो मैं रिफंड कर सकता था, राइट? तो इस मेहनती और आपसे इतना लॉयल है ये बंदा, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब नहीं देता तुमसे? अच्छा, पर भैया इंजीनियरिंग तो किया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा. तो मैंने कुछ सोचा इसके बारे में. मतलब बहुत देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जब कॉलेज में जाता था ये एक चीज़ मिलता था. ये एक्चुअली इतना लंबा होता था. इट्स कॉल्ड सुपर ग्लू, पता नहीं क्या कहते थे इसको. 10 रुपये का एक ट्यूब मिलता था. इसको जलाने से इसमें गोंद निकलता है और इसको लगाने से इट अटैचेस एवरीथिंग. तो कभी इसको ट्राई नहीं किया था. सब दिमाग में आया कि इसको ट्राई कर सकते हैं अभी. And so we are going to try this here. And अभी बहुत तेज़ हवा चल रहा है और उस साइड में एकदम बादल छाए हुए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं. तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, बट बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं. So this actually seems to work. तो इसको ठीक से लगा के देखते हैं. सो अब इसको यहाँ पे फाइन
तो इसको जलाने से क्या होता है, एक्चुअली इट सीम्स टू बी लाइक प्लास्टिक, और इसको जलाने पर यहाँ पे इसको लगाने से यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली प्लास्टिक। सो इट इज डन, अब ये सूखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना स्टर्डी है, एकदम हिल रहा है। एंड एक और बात कि मेरा तनफेस से बात हुआ है, होता रहता है, बट ही इन्फॉर्म्ड मी कि वो 1 सितंबर को यहाँ पे आने वाला है, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो सही में आएगा, बट ही सेइंग कि वो श्योर है कि वो आ रहा है, क्योंकि उसका कॉलेज भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको डिग्री भी कंप्लीट करना है अपना BBA वाला। सो क्या कहानी रही है उसकी, लाइक व्हाई ही स्टॉप्ड व्लॉगिंग, उसके मतलब ही डिडंट स्टॉप्ड व्लॉगिंग क्योंकि ही फील लाइक स्टॉपिंग इट, he actually lost his phone, his laptop, बस कैमरा रह गया उसके पास। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुआ है, सो लेट हिम कम एंड वी कैन डिस्कस, बहुत अच्छा लगेगा अगर वो आता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक देख रहे तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। एंड टिल द टाइम अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल चैनल अनरैप जिंदगी। मौसम मतलब पिछले 1.5 महीने से इतना अच्छा जा रहा है ना, क्या बताएं, मतलब बारिश हो रहा है, इट्स या मतलब बहुत लोगों को बारिश अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को अच्छा लगता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ गेटिंग इन आवर होम, घर में जब तक पानी नहीं घुसता तब तक अच्छा लगता है मेरे को बारिश। एंड या दैट्स ऑल।